बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिएहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मोहतरम हाज़रीन गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, हमारी जो गुफ्तगू थी कब्रों के ज़ियारत पर पहुँची थी और हमने उसमें यह जाना था कि ज़ियारत की कुल तीन किस्में हैं। एक ज़ियारत तो वह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है, सहाबे किराम का उस पर अमल रहा है और वही हमारे लिए दलील है और हम भी वो काम करते हैं, यानी कब्रों पे जाना और जो दुआ साबित है वो दुआ पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और उनके हक में उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करना। लेकिन अगर कोई आदमी वहाँ इसलिए जाता है कि ये सोचे कि अल्लाह तबारक ताला वहाँ जाने की वजह से, उनके रुतबे और मकाम की वजह से हमारी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, ये आदमी सोचे कि अगर मैं अल्लाह के घर में मांगूंगा तो पता नहीं अल्लाह सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन अगर फलां बुज़ुर्ग के कब्र के पास जाके मांगूंगा तो अल्लाह ज़रूर सुनेगा, तो ये अकीदा, ये गुलू वाला अकीदा है, ये ऐसा है जिसे इंसानों ने, बाद के लोगों ने बनाया है। तो इस अकीदे की वजह से वो बिदई ज़ियारत है, यानी वहाँ कोई ऐसा काम करना जो साबित नहीं है हदीसों में, या कोई ऐसा अकीदा लेकर जाना जिसकी दलील मौजूद नहीं है किताब सुन्नत में, तो वो तरीक़ा गलत हो जाएगा। यानी अल्लाह ही को पुकारने जा रहा है, किसी और से मांगने नहीं, लेकिन बस तरीक़ा गलत है, एतकाद गलत है, तो वो काम भी गलत हो जाएगा। और अगर एक तीसरी जो शक्ल थी, यानी शिरकिया ज़ियारत, अगर आदमी ये सोच के ज़ियारत करता है कि जाऊंगा फलां बाबा के कब्र पे हाजिरी दूंगा और उनकी दुहाई दूंगा, उन्हें पुकारूंगा, उनके वास्ते से अपने रब को मनाऊंगा, तो ये शिर्क है और ये शिरकिया ज़ियारत है, ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी आदमी अल्लाह को पुकारने अगर किसी के कब्र पे जाता है लेकिन गलत एतकाद के साथ, गलत अमाल वहाँ करता है, वहाँ जानवर ज़बह करता है, वहाँ नमाज़ पढ़ता है, वहाँ एतकाफ़ करता है, वहाँ मुजावर बन के बैठ जाता है, तो ये काम की वजह से, इस काम की वजह से वो अमल गलत हो गया, वो बिदई हो गया, यानी नई चीज़ हमने ईजाद की। और अगर अल्लाह को नहीं पुकारा जा रहा है, किसी मखलूक की दुहाई दी जा रही है, तब तो ये खुला हुआ शिर्क है। तो मालूम ये हुआ कि जो तीन तरह की ज़ियारतें हैं उनमें दो तरह की ज़ियारत ये ममनू ज़ियारत है जो लोग कर रहे हैं, और एक ही ज़ियारत है जिसकी गुंजाइश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कब्रों पे जाने से पहले तुम्हें रोकता था, लिहाजा अब मैं नहीं रोकता हूँ। फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रों की ज़ियारत तुम लोग करो इसलिए कि इससे आखरत याद आती है, कब्र देखोगे तो आखरत याद आ जाएगी, अपनी मौत याद आ जाएगी, और दुनिया में जो मगन हो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारी भी यही मंजिल है, हमें भी यहीं आना है, हमसे मज़बूत लोग आके सो गए हैं, हमसे पैसे वाले लोग आके यहाँ दफन हो चुके हैं, और हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, हमसे ज़्यादा जानकार और हुनरमंद लोग यहाँ आके सोए हुए हैं, तो हमें भी यहाँ आना है। इस याद दहानी के लिए कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए ताकि आखरत की याद आए और हम नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, बस यही मकसद होना चाहिए। अब एक रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है और कहते हैं कि आपने फरमाया, ला तजअलु बुयूतकुम कुबूरा, कि अपने घरों को कब्र ना बनाओ। अपने घरों को कौन कब्र बनाता है? कोई नहीं बनाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे क्या मुराद लिया है? बताया ये है कि ये सहाबे किराम को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम थी
कि कब्र इबादत गाह नहीं है, कब्र पे कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता है, कब्र पे इबादतें नहीं होती हैं, कब्र पे रियाजतें नहीं होती हैं, कब्र कब्रस्तान है वो इबादत गाह नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे कब्रों पे इबादत नहीं होती है, जैसे कब्रों पे कुरान की तिलावत नहीं होती है, वैसे अपने घरों को ना बनाओ, यानी घरों में इबादत किया करो, घरों में कुरान पाक की तिलावत किया करो, घरों में अल्लाह तबारक तआला के लिए नवाफिल व अदा किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत और नवाफिल अपने घरों में पढ़ने को तरजीह दिया करते थे। तो मालूम ये हुआ कि कब्रस्तान पे इबादत नहीं होती है, कब्र कुरान पढ़ने की जगह नहीं है, कब्र नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि कब्र की ज़ियारत इसलिए होती है ताकि आखरत याद आए। वला तजअलू कब्री ईदा, और मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। ईद ना बनाओ इसका क्या मतलब है? ईद जैसे बार बार आती है अपनी तारीखों पे, अपने मुतय्यना वक्त पे, हर साल आती है, हर बार आती है, तो मेरी कब्र पे बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कब्र पे सुबह शाम हाजिरी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मस्जिद नहीं है, वो बंदगी की जगह नहीं है, वो इबादत की जगह नहीं है। मेरी कब्र को ईद ना बनाओ, यानी मेरी कब्र पे बार बार मत आओ। एक आदमी हज के लिए जाता है, उमरे के लिए जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत के मकसद से वहाँ जाता है, मस्जिद नबी की ज़ियारत के गरज से, तो उसके लिए बेहतर है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर हाजिरी दे और वहाँ जाके सलाम पेश करे, अल्लाह के रसूल को सलाम करे, फिर आपके दोनों साथियों को सलाम करे, ये उसके लिए बेहतर है, मुस्तहब है, अच्छा है। लेकिन अब एक आदमी बार बार नमाज पढ़ता है, वहीं जाता है, बार बार यानी नमाज पे तवज्जो नहीं होती थी, हम लोगों ने तो वहाँ अपनी आँखों से देखा है और इसे बढ़ता भी है, लोग नमाज की परवाह नहीं करते, फ़र्ज नमाज तक भी छोड़ छाड़ के इधर उधर कोने अतर से घूम फिर के वहीं ऐसी सफ़ में लगेंगे जहाँ से आसानी से ज़ियारत हो जाए। नमाज में खुशू नहीं है, नमाज में कोई ध्यान और तवज्जो नहीं है, बस यह है कि हर नमाज के वक्त जाएंगे सलाम पेश करने और वहाँ हाजिरी देंगे। सलाम सहाबे किराम जो मदीने में रहते थे तो अपनी जगह पे बैठे रहते थे, नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबी में, और वहीं से सलाम पेश कर दिया करते थे उसी अल्फाज में जिस अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया था, जिस अल्फाज में सलाम और दरूद आपने हिफ्ज कराया था, उसी लफ्ज में अपनी जगह पे बैठ के वो पेश कर दिया करते थे। हर नमाज में सहाबे कराम की भीड़ वहाँ नहीं लगती थी, हर सहाबी कब्र पे जाके सलाम नहीं पेश करता था। हाँ, अगर कोई सहाबी मदीने से बाहर गए हुए हैं, अब कुछ दिनों के बाद मदीने में वापसी हुई है, तो ये एक दफ़ा वहाँ जाके सलाम पेश कर दिया करते थे। तो ये तरीक़ा सही है कि अगर हम एक बार मदीना गए हैं, काफ़ी दिनों के बाद जाना हुआ है, तो आप वहाँ से सलाम पेश कीजिए, बाकी दिल से सलाम पेश करें। कहीं से भी सलाम पेश करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका सलाम पहुँचाया जाएगा। जगह अल्लाह नहीं देखता है, अल्लाह दिल का इखलास देखता है, दिल का खलूस देखता है। तो इबादतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारे यहाँ बहुत अहम है। इबादत में मनमानी नहीं हो सकती है, रियाजतों में खुरद बुरद नहीं किया जा सकता है। निजात का वही ज़रिया है जिस ज़रिए को सहाबे किराम ने अपनाया और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अच्छा, अब यहाँ आपने फरमाया मेरी कब्र को ईद ना बनाओ, वसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगनी हैथु कुंतुम, और मेरे ऊपर दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचा दिया जाता है, तुम कहीं से भी उसे पेश करो। तो गोया कि यहाँ ये मालूम हुआ कि दिल से दरूद और सलाम पेश किया जाएगा, यह इबादत है। बहुत से ऐसे उलमा हैं जो हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दरूद नहीं पढ़ते हैं, ये सलाम नहीं भेजते हैं। वहाँ हम लोग अगर किसी दरूद पढ़ने वाले को या सलाम पढ़ने वाले को जब उसके अमल की वजह से टोकते थे
तब वो लोग जो है बाद में हमसे जब मिलते तो कहते कि देखिए हमारे आलिम ने कहा था कि ये लोग दरूद नहीं पढ़ने देंगे मस्जिद नबी में, हाँ सलाम नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ने भी नहीं देते हैं। तब हम वहाँ वजाहत करते थे कि यहाँ आपसे बातें छुपाई हैं आपके उलमा ने, हमारे यहाँ दरूद पढ़ना इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करना इबादत है, हम जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है हम आप पर दरूद भेजते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी आपका नाम आए आप पर दरूद भेजो, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, इतना तो होना चाहिए। तो हैं वो चौंकते थे, वो हैरत में पड़ते थे, फिर कहते थे हम दरूद ही तो पढ़ रहे हैं आप क्यों भगा रहे हैं। तो हम उन्हें ये बताते कि देखिए आपका जो अंदाज़ है वो सहाबे कराम वाला अंदाज़ नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ सलीका नहीं है। वो क्या करते थे, वो जाते गुम्बद खदरा को क़िबला बनाते, जैसे हमारा खाने काबा क़िबला है नमाज के लिए, हम उसे अपने आगे रखते हैं, उसके रूबरू खड़े होते हैं, इंतहाई अदब और तवाज़ो के साथ क़िबले यानी गुम्बद खदरा को क़िबले का क़िबला कह के वहाँ खड़े हो जाते, नमाज में खड़े होने की कैफियत अपनाते थे, यानी जैसे हम अल्लाह के रूबरू खड़े होते हैं नहायत खुशू के साथ, नहायत खुदू के साथ, नीयत बांध के, आहोजारी के साथ, तो उससे भी कहीं ज़्यादा आहोजारी बरतते और रोते रहते थे, दरूद में रोता, सलाम में रोना। तब हम कहते थे कि ये देखिए ये कैफियत, तज़ीम की ये कैफियत अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास की है। अल्लाह तबारक ताला के लिए नमाज में रोने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग जिनकी आँखें कभी नमाज में नम नहीं हुई हैं, जिन्हें कभी आंसू नहीं आया अल्लाह के सामने, वो गुम्बदे खदरा के सामने रोते थे। तो जाहिर है अकीदे में गड़बड़ी थी, अकीदे में ख़राबी थी, इसीलिए ऐसा वो लोग करते थे। फिर हम बताते कि आप दरूद पढ़िए हम भी पढ़ते हैं, आप सलाम पेश कीजिए हम भी सलाम पेश करते हैं, हम उसे इबादत समझते हैं। एक बार कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 बार दरूद नाजिल करता है, लिहाजा इस इबादत को अगर कोई चीज़ इबादत हो गई तो उस इबादत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ढूंढा जाएगा कि नहीं ढूंढा जाएगा। इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही होगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही दरूद पढ़ेंगे, सलाम भेजेंगे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीका बता दिया, यहाँ आपने तरीक़ा सिखा दिया, कहा कि अपने घरों को कब्र ना बनाओ, यानी अपने घरों में कुरान पढ़ो, अपने घरों में नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और बार बार मेरी कब्र पर मत आया करो, मेरी कब्र को ईद ईद ना बनाया करो। जैसे ईद बार बार आती है साल में अपने वक्त पे, ऐसे तुम लोग भी यहाँ बार बार मत आओ, कहीं से भी सलाम पेश करो, तुम्हारा सलाम तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचाया जाएगा। तब लुगनी है सुकुन तुम, जहाँ कहीं भी रहो तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचाया जाएगा। अब अगला जो नुक्ता है वह है अलवसीला। वसीला ये भी उम्मत का एक इख्तलाफी मसला लोगों ने बना दिया है, ये इख्तलाफी मसला नहीं था वसीला। सहाबे कराम में इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं था, सहाबे कराम उस वसीले को अपनाते थे जो वसीला कुरान से साबित है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, जिसको हम लोग अपनाए हुए हैं, जिसकी हम अपने भाइयों को दावत देते हैं, जिसकी तरफ हम अपने जो है लोगों को बुलाते हैं, वो यही वसीला है, इसमें इख्तलाफ नहीं था। बाद में लोगों ने इसकी गलत तारीफें की, बाद में लोगों ने लोगों को ये कह के भटकाया कि देखो छत पे जाना है तो सीढ़ी का वसीला लोगे कि नहीं लोगे, वज़ीर आज़म से मिलना है तो छोटे नेताओं से वसीला लोगे कि नहीं लोगे, हाँ तो ये सब इस तरह की दलील हैं। जाहिर है दीन में ये दलील नहीं चलती है, हाँ ये खाना साज दलील है। हम अल्लाह तबारक ताला को अपनी शह रग से भी ज़्यादा करीब मानते हैं,
हमारे घर की छत हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हम जीने और सीढ़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारा रब तो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया कि मैं तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हो, उस तक जाने के लिए हमें सीढ़ी और जीने और लिफ्ट की क्या हाजत है, किसी का वास्ता लेने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह तो अलीमुम बिदातिस सुदूर है, हम इरादा करते हैं अल्लाह को खबर हो जाती है, हम जो करते हैं उसे भी अल्लाह जानता है, जो नहीं किए हैं उसे भी जानता है, और अगर करते तो कैसे करते ये भी अल्लाह तबारक ताला जानता है। तो अल्लाह तबारक ताला के इस इल्म के आगे अगर हम इस तरह ऊट पटांग दलीलें देंगे तो जाहिर है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो दर्स है अल वसीला, इसकी लुगवी तारीफ यह है, हिय अल्लती युतवस्सलु बिहा इला तहसील अल मुराद, यानी ये वसीला उस जरिए को कहते हैं जिसके जरिए से अपनी मुराद पूरी की जाती है, जिसके वास्ते से अपनी मुराद तलब की जाती है। मुझे पानी की हाजत है, पानी मुझसे दूर है, मेरी पहुंच से दूर है, तो मैं किसी का वास्ता लूँगा और कहूँगा ज़रा पानी उठा के मुझे दे दीजिए। तो ये गोया कि अपनी मुराद तक पहुँचने के लिए किसी को ज़रिया बनाना, ये लुगवी तौर पर वसीला है। और शरान वसीला किसे कहते हैं, हुआ मा युतकर्रबु बिही इलल्लाही मिन फ़िअलि ताआती व तर्किल मनहियात। शरान वसीला कहते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए से अल्लाह का तकर्रुब पाया जाता है, नेकियां करके या बुराइयां छोड़ के। बसा औकात हम नेकी हैं या बुराई इसलिए तर्क करते हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, हम इबादतें इसलिए करते हैं कि हमारा परवरदिगार हमसे खुश हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ हो, ऐसा अमल हो जिसके ज़रिए से अल्लाह का तकर्रुब पाया जाता है, यानी अल्लाह तबारक ताला की शरीयत में उसे इबादत कहा गया हो, उसे नेकी कहा गया हो। अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया यही है कि नेकियां की जाएं, इबादत की जाए, बंदगी की जाए, और बंदगी के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया जाए। अल्लाह तबारक ताला को क्वांटिटी मतलूब नहीं है, अल्लाह ये नहीं देखेगा कि नेकियों का बोझ अंबार लेके आया है कि नहीं आया है। अल्लाह तबारक ताला ये देखेगा कि नेकियां जो किया है उसकी क्वालिटी क्या है, वो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या बस ऐसे मनमानी किया है। आप जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी इबादत करता है, हर शख्स इबादत करता है, किसी भी मज़हब का पैरोकार हो अपने एतबार से इबादत करता है, लेकिन हर किसी की इबादत तो कबूल नहीं हो जाएगी। मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले इबादत करते थे कि नहीं करते थे, वो इबादत करते थे, वो हज करते थे अपने तौर पर, अपने हिसाब से नमाज़ें भी पढ़ते थे, अपने हिसाब से नजर व न्याज किया करते थे, लेकिन उन इबादतों में मनमानियाँ थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा गया ताकि इनकी बंदगी आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। वो लोग हज करते थे बाकायदा, हाजियों की खिदमत करना सबसे बड़ा शर्त समझते थे, खुद नहीं खाते थे लेकिन हाजियों को सत्तू घोल घोल के खिलाया करते थे, खुद प्यासे रहते थे लेकिन अल्लाह के मेहमानों की प्यास बुझाया करते थे, खुद घर में सालन नहीं होता था लेकिन अल्लाह के मेहमानों के दस्तरखान पे सालन पेश किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी इबादत, कुर्बानियाँ भी देते थे अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह ताला को ये इबादतें मंजूर नहीं थीं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा तुम हैं काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम अल्लाह के दुश्मन हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ख़िलाफ़ तलवारें भी उठाईं, इनके ख़िलाफ़ बगावतें भी हुईं, इसी बुनियाद पर दुश्मनियाँ भी हुईं। वो तो चाहते थे कि हमारे हिसाब से इबादत होती रहे, एक साल तुम अपने हिसाब से अपने रब को रब की इबादत कर लिया करो और एक साल हम अपने रब की इबादत अपने हिसाब से कर लिया करें। अल्लाह ताला ने फरमाया वद्दू लौ तुधिनु फयुधिनून, ये तो वही चाहते ही हैं कि आप समझौता कर लीजिए, आप सुलह सफाई कर लीजिए, आपको आँखों पर बैठाने के लिए आपका समाज तैयार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारी और क़यादत देने
के लिए आपका माशरा तैयार था, लेकिन समझौता करके, कंप्रोमाइज करके, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इबादत तो बस अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही होगी। तो मालूम ये हुआ कि वो चीज़ जो अल्लाह को जिससे खुश किया जाता है वो इबादत हो, शरई तौर पर कुरान और हदीस से वो बंदगी साबित हो। وَعَلَيْهِ حُمِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, और इसी मफहूम पर अल्लाह तबारक ताला की इस बात की तफसीर पेश की गई है कि وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, अल्लाह ताला से वसीला तलब करो। इससे पहले है अल्लाह ने फरमाया وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह तबारक ताला को पुकारा करो और उन्हीं से वास्ता लिया करो। तो अल्लाह के नामों से वसीला लेना गोया कि कुरान से साबित हो गया। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह के कुछ असमाए हुसना हैं, उन असमाए हुसना को याद रखना चाहिए, उनके तकादों को निभाना चाहिए और उन्हीं के हवाले से अपने रब को राज़ी करना चाहिए। उनका हवाला कैसे लेंगे? जैसे कहें अल्लाह ताला की एक सिफत या अल्लाह का एक नाम है अर्रहमान अर्रहीम, माना इसका यह है बहुत रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर करम करने वाला, अपने बंदों पर। तो हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह तेरा तो नाम ही रहमान है, तेरा तो नाम ही रहीम है, लिहाजा मुझ पर रहम फरमा, मेरे ऊपर तेरा नाम करीम है लिहाजा तू मुझ पर करम फरमा, मैं तेरे करीम सिफत या करीम नाम का वसीला देता हूँ कि अल्लाह मुझ पर करम कर, तू गफूर है मुझे माफ़ फरमा दे, तू रहीम है मुझ पर रहम फरमा दे, तू मौती है देने वाला है मुझे अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दुआ सिखाई। उन्होंने कहा कि एक शबे क़द्र में मैं कौन सी दुआ पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, कि अल्लाह ताला तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है, इन्नका अफ़ू तू दरगुजर करने वाला है, तेरी खूबी है तेरी सिफत यही है और तू दरगुजरी और माफ़ी माफ़ करने को पसंद फरमाता है लिहाजा तू हमें भी माफ़ फरमा दे। तो गोया कि अल्लाह के सिफत का वसीला लिया गया, अल्लाह के प्यारे नाम का वास्ता दिया गया, तो ये हमारे लिए दलील हो गई। इसे मानने में कोई एतराज़ नहीं है, इसे मानने में कोई कबाहत और कोई तरद्दुद नहीं है, हम इसके वास्ते से अपने रब को मनाएंगे, हम इसका वसीला लेंगे, हम इसका वास्ता देंगे। तो अब उसके बाद अगली चीज़ जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तो ये वजाहत फरमाई, अब उसके बाद कहते हैं तवस्सुल गोया की दो तरह का हो गया, एक हुआ तवस्सुल मशरू और तवस्सुल ममनू। मशरू तवस्सुल यानी जिसका सबूत मौजूद है, जिसकी दलील मौजूद है, मशरू तवस्सुल, और हम इसे तस्लीम करते हैं। अब अगर कोई कहे कि फ़लाँ जमात वाले वसीला नहीं मानते हैं तो गोया कि ये उनकी लाइल्मी है, उन्हें इल्म नहीं है या उन्हें बताया नहीं गया है, हम वसीला मानते हैं लेकिन बस वही वसीला मानते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे साबित किया है, जिसकी दलील कुरान और हदीस में मौजूद है। और उसकी कुल कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। पहली किस्म है अल्लाह पाक के अच्छे नामों का वसीला या अल्लाह के अजीम सिफत में से किसी सिफत का वसीला, जैसा कि मैंने अभी हदीस पेश की उसमें अल्लाह तबारक ताला की एक सिफत ये बयान की गई कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है तू हमें माफ़ फरमा दे। अच्छा, तो यहाँ मिसाल देकर समझाया है कि जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नकर रहमान अर्रहीम अंतु आफीनी, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूँ इसलिए कि तू रहमान है तू रहीम है तू करमा करीम है तू अफू है तू गफूर है तू हमें माफ़ फरमा दे। ये दुआ का अदब है,
یہ دعا کا سلیقہ ہے۔ پہلے اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں، اللہ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم صفت کا سہارا لیا جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا جائے۔ دنیا میں بھی یہ طریقہ بہتر مانا جاتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی گزارش کرنے جائیں اور کہیں کہ دیکھیے آپ بڑے دل کے آدمی ہیں، آپ ظلم ناپسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اچھا سمجھتے ہیں، لہذا مجھ پر بھی احسان کیجیے، ہیں مجھے بھی عطا کیجیے، مجھے بھی دیجیے، ہیں تو اس طریقے سے اللہ مالک الملک سے بھی اسی ادب کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، اسی طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اگلی جو ہاں اس کی دلیل کیا ہوئی، دلیل یہ ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، سورہ اعراف کی آیت ہے اور گویا کہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسری قسم یا دوسرا وسیلہ جسے ہم مانتے ہیں وہ ہے عمل صالح کا وسیلہ۔ عمل صالح ہماری نمازیں ہیں، ہمارے صدقات ہیں، ہماری روزے ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے، ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ بہتر سلوک ہے، ہمارا اپنے بھائی کی خیر خواہی ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منایا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تو آسان مسئلہ ہے، جیسے بھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کیوں نماز پڑھی ہے؟ تاکہ اس عمل صالح کے ذریعے سے، اس عمل صالح کے واسطے سے اپنے رب کو منایا جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ عمل صالح ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم اس عظیم نیکی کے واسطے سے اپنی گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم قربانیاں دیتے ہیں، ہم اور بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، گویا کہ ان عبادتوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ ثابت ہے۔ دلیل ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، جب قحط سالی پڑتی تھی مدینے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے سب سے بڑے بزرگ اس وقت کے عباس ابن عبد المطلب کے پاس جاتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن جب آپ موجود تھے تب کیا کرتے تھے؟ اسی حدیث میں دلیل موجود ہے، پہلے دلیل حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کے پاس جاتے تھے اور نماز استسقاء کی درخواست کرتے تھے، اور یہ بات کہتے تھے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تیرے نبی کی موجودگی میں ہم تیرے نبی سے واسطہ لیتے تھے، ان کی دعاؤں سے واسطہ لیتے تھے، ہاں، اور استسقاء کی نماز پڑھتے تھے، فتسقینا، اور تو ہمیں پانی دیتا تھا، اور اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا، کہ اللہ تعالیٰ اب ہم تیرے نبی کے چچا سے واسطہ لے رہے ہیں، تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تجھ سے، لہذا ہمیں پانی عطا کر دے، فَيُسْقَوْنَ، تو انہیں پانی عطا کیا جاتا تھا، یعنی ان کی دعائیں قبول کی جاتی تھیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو سب سے بڑا تھا، لیکن ان کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی ان کے قبر کے پاس، گویا کہ صحابہ کرام کو پہلے سے پتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں کہ جب تک میں باحیات ہوں تب تک میرے ذریعے سے دعا کرا سکتے ہو، میرا واسطہ لے سکتے ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تب اب وہاں نہیں جاتے تھے، قبر پر وسیلے کی درخواست نہیں لے کے جاتے تھے، یا استسقاء کی نماز کی دعا کے لیے وہاں نہیں جاتے تھے، بلکہ عمر فاروق کہاں گئے؟ آپ کے چچا کے پاس گئے، عباس ابن عبد المطلب کے پاس گئے، جو کہ باحیات تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا واسطہ نہیں لیا جا سکتا ہے، جب آپ موجود تھے تو آپ کے پاس جاتے تھے، آپ کا رتبہ قیامت تک رہے گا،
आप नबी क़यामत तक के लिए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मर्तबा हदा हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन आपके रुतबे से वसीला नहीं लिया जा रहा था बल्कि आपकी दुआओं का वसीला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का वास्ता लेते थे, जैसा कि यहाँ सराहत किया है। जब आप नहीं रहे तब जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे उनकी नज़र में, उनके पास गए, आपके चचा के पास गए, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से यह दरख्वास्त की। अच्छा, अब उसके बाद आगे यहाँ कुरान पाक से एक दलील दी गई है, तवस्सुल इलल्लाहि बिल अमलिस सालेह। हाँ, ये मैंने अमले सालेह वाली, रजुले सालेह वाली दलील दी। रजुले सालेह, हाँ, कोई नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, तो उसकी दुआओं का वसीला लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ दलील गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे नेक थे जब आप बाहयात थे, आप सबसे बड़े बुजुर्ग थे, आप इमामुल अंबिया हैं, आप खातमुर रसूल हैं, आपका रुतबा अल्लाह तआला के बाद सबसे अजीम रुतबा है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता लेते थे। जब आप नहीं रहे तो जो मौजूद थे आपके चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उनसे दुआ ले रहे थे। जब ये दुनिया से चले गए तब फिर इनके अलावा दूसरे लोगों के पास, जिसे लोग बुजुर्ग समझते थे, जिसे नेक समझते थे, उनके पास जाते थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ ऐसा है कि जब इस्तिस्का की नमाज पढ़ानी होती है तो किसी नेक आदमी को दावत देते हैं, किसी बड़े आलिम को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलिए नमाज इस्तिस्का पढ़ा दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, बारिश की दरख्वास्त के साथ जाते हैं। या कोई परेशानी है तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि परेशानी में हूँ, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। किसी आलिम से दरख्वास्त करते हैं, किसी बुजुर्ग से दरख्वास्त करते हैं, या अपने किसी भी भाई से आप दरख्वास्त कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा आलिम ही हो, कोई अल्लामा ही हो, कोई बड़ा बुजुर्ग ही हो, उसी से दरख्वास्त करेंगे। अगर कोई है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने से छोटे भाई से भी ये गुजारिश कर सकते हैं। इसकी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी से कहा, ला तनसाना फी दुआइकल खैर। वो मक्का जा रहे थे उमरे पे, मुबारक सफ़र था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुजारिश की, कहा कि हमारे लिए भी दुआ करना, हमें अपनी अच्छी दुआओं में भूलना नहीं। तो मालूम यह हुआ कि बड़ा आदमी छोटे आदमी से भी गुजारिश कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो, ईमान वाला हो, मुसलमान हो, तो अपने भाई से हम इसकी दरख्वास्त करेंगे। अच्छा, एक जो तीसरी किस्म है वो अपने नेक कामों का वसीला, उसके लिए दलील है, रब्बना आमन्ना बिमा अंसलता वत्तबअना रसूला फक्तुबना माश्शाहिदीन। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि उन्होंने कहा, अय हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं। किस पर ईमान लाए हैं? जो तूने नाजिल किया है कुरान पाक, उसे हमने सीनों में बसा लिया है, उसे हमने तेरा कलाम मान लिया है, उस पर हम ईमान ले आए हैं। तो कुरान पाक पर ईमान लाना ये आमले साले है, ये बहुत बड़ी नेकी है, उसे सीने में बसा लेना बहुत बड़ी इबादत है। तो उन्होंने क्या किया, पहले अपने इस आमले साले का तस्करा किया, कहा अल्लाह ताला जो तूने उतारा है सब पर हम ईमान ले आए हैं, और वत्तबअन रसूल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने इत्तबा की है। इत्तबा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी इताअत है। इसका हवाला दिया, अल्लाह की किताब पर ईमान का वास्ता दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हवाला दिया, और उसके बाद दुआ मांगी, कहा फक्तुबना मा शाहिदीन, तो हमें गवाही देने वालों में लिख ले। तो मालूम यह हुआ इस आयत करीमा से कि अमले सालेह का वास्ता लेना ये जायज़ है। और हदीस से इसकी दलील है, जो तीन लोग गार में फंसे हुए थे और चट्टान खिसक कर उनके रास्ते पर आ गया था, चट्टान के सामने इंसान की क्या वक़ात है, उसमें वो भूख प्यास से मर जाते, लेकिन तीनों ने अपने रब को याद किया और अपने नेक कामों का तस्करा दिया किया, उसका वास्ता लिया, उसका हवाला दिया, और अल्लाह तबारक ताला ने इस दुआ से, दिल से मांगी गई दुआ से, इस आहुजारी से अल्लाह तबारक ताला ने वो चट्टान खसका दिया और इनकी जान बच गई।
अब यही तीन किस्में हैं, इसके अलावा चौथी की कोई दलील मौजूद नहीं है। चौथे वसीले की सिर्फ यही जीना दलील है, सीढ़ी दलील है, कोई नेता दलील है, हाँ कोई गाड़ी दलील है। तो जाहिर है इबादत के मामले में इन्हें दलील नहीं कहा जा सकता है। इन्हें लोगों का दिल बहलाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुमराही पर बाकी रखने के लिए सहारा तो इनका लिया जा सकता है, लेकिन ये दलील नहीं है। हम उसी दलील को तस्लीम करते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हो, जिस पर सहाबे कराम का अमल रहा हो। आज भी हम कहते हैं कोई भी आलिम किसी भी मसलक का चौथी किस्म की हमें दलील लाके दे दे, तो जो कौम तीन दलीलों को मानती है उसे चौथी दलील मानने में कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चौथी भी मान लेंगे, लेकिन बस दलील के साथ अगर कोई दलील लेकर आता है तो जाहिर है इसकी कोई दलील नहीं है। इन्हीं तीनों चीज़ों का वसीला और वास्ता लेना ये मशरू वसीला कहलाता है, और हम इस वसीले को मानते हैं, इसे बरतते भी हैं। हम नेक अमल के ज़रिए अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं। हम अल्लाह के असमाए हुसना और उसके अजीम सिफत का हवाला दे के दुआएँ मांगते हैं। हम अपने नेक लोगों से या मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। आज भी चलन है, कोई नेक काम के लिए जाता है, हज या उम्रे पे जाता है, हम उससे कहते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ कीजिए, मुकद्दस मकाम पर हो, मोहतरम सफ़र पे निकले हो तो हमारे लिए भी दुआ करो। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, और यही वसीले हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। अब एक अगली जो किस्म है तवस्सुलुल ममनू, जिसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, वह तवस्सुलु इलल्लाह बिमा लम यथबुत शरिया अन्नह वसीला। तो ये ममनू वसीला वही है जिसकी कोई दलील शरीयत में मौजूद नहीं है, लिहाजा इसे हम तस्लीम नहीं करते हैं। और इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे तवस्सुल इलल्लाह बिदुआ अलमौता वलगाइबीन वलइस्तगासा बिहिम, जैसे मरे हुए लोगों को जो दुनिया में नहीं है उनको पुकारना, उनको उनके ज़रिए से अपने रब को मनाना, यानी उनका हवाला देना, जैसे लोग पंजतन का वास्ता लेते हैं। जाहिर है ये अजीम लोग हैं, लेकिन अगर ये दुनिया से रुखसत हो गए तो अब इन्हें पुकारा नहीं जा सकता है, अब इनका वास्ता नहीं लिया जा सकता है। हाँ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया जा सकता है उनकी वफ़ात के बाद, तो फिर हम किसी उनके उम्मतियों में से चाहे कोई कितने भी बड़े मकाम पर फाइज हो, हम कैसे उसका वसीला ले सकते हैं? क्या ये बुजुर्गान, ये अइम्मे किराम, ये इमामान क्या गैब की बातें सुनते थे दुनिया में? अगर कमरा बंद होता था, कोई पुकारता था, तो क्या ये जान जाते थे? नहीं जानते थे। कोई एक शहर में है, दूसरे शहर से कोई पुकारता था तो नहीं सुन पाते थे। तो मरने के बाद पावर बढ़ाया किसने इनका? इनके वफात के बाद ये ताकत किसने दी कि अगर वही दुनिया के अंदर जब बंद कमरों में रहते थे तो उन्हें पता नहीं होता था बाहर कौन है? यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, आप जब कमरे के अंदर होते थे तो बाहर दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है आपको खबर नहीं होती थी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा मैं आया, दरवाज़ा मैंने खटखटाया, आपने अंदर से आवाज़ दी, कहा मन, तो मैंने कहा आना या रसूल अल्लाह, कहा कि मैं हूँ अल्लाह के रसूल। आप नाराज़ हुए, आप खफा हुए और कहा आना आना कअन्नहु करिहा। साहबी कहते हैं कि आपने कहा कि मैं गोया कि आपने नापसंद किया, यानी कोई बाहर से अगर दस्तक दे रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कौन हो, तो नाम बताना चाहिए, ये नहीं कि कहे कोई मैं हूँ, ये बेअदबी है, ये गलत तरीक़ा है। सही तरीक़ा यह है कि आप नाम बताइए कि मैं हूँ। एक रिवायत आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जन्नत में सबसे पहले मुझे दाखिल किया जाएगा, मैं जन्नत के दरवाज़े पे जाऊंगा और वहाँ दरवाज़ा खटखटाऊंगा, वहाँ का दारोगा, वहाँ का जो है फरिश्ता कहेगा मन अंता, तो मैं कहूँगा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। तब वो फरिश्ता कहेगा हाँ, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने की इजाज़त मेरे रब ने दी है, लेकिन तुमसे पहले किसी के लिए जन्नत का ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा।
तो यहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा गया दरवाजे पे कौन हो, तो आपने आना नहीं कहा, मैं नहीं कहा, बल्कि आपने अपना नाम बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई घर में आप होते थे, कमरे में होते थे, बाहर से दस्तक दी जाती थी, तो आपको पूछना पड़ता था कि तुम कौन हो, कौन लोग आए हो। यहाँ तक कि दूर से कोई पुकारता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनते थे। ऐसा नहीं है कि आप मदीने में हों और कोई खैबर से आवाज़ दे रहा हो, आप मदीने में हों और कोई मक्के से नेदा दे रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मस्जिद नबी में हों और मस्जिद कुबा से कोई पुकार रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरी सीरत खंगाल जाइए, कहीं ऐसा कोई वाकया नहीं है कि सहाबे कराम को गैब की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से किसी ने पुकारा हो और गैब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी हो। तो अब गोया कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कुदरत अल्लाह ताला ने नहीं दी थी, तो इन बुज़ुर्गों को यह कुदरत किसने दी? अगर वो दुनिया के अंदर बाहयात रहते हुए बंद कमरे में उन्हें नहीं समझ में आता था कि बाहर से आवाज़ कौन दे रहा है, तो कब्र की अंधेरी कोठरी में जाने के बाद कैसे पता चलेगा? ये पावर कहाँ से आया? क्या कुरान में है कहीं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कहीं है? ये तो नहायत सादा सी बात थी जिसे उम्मत को आसानी से समझ जाना चाहिए था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दुरूस सुनने की ज़रूरत नहीं थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है दिमाग खर्च करने की हाजत नहीं थी। आसान सी बातें हैं। हमारी शरीयत इंतहाई सादा है, हमारा दीन इंतहाई सहल है, हमारा दीन तत्बीकी है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्याली है, तसव्वुराती है। तो हमारा दीन अक्ल सलीम के बिल्कुल मुआफिक है। हाँ, हमारे दीन की कोई ऐसी बात नहीं जो हमारी अक्ल से परे हो, हमारे समझ में ना आ रही हो। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम अब उनके मर्तबे या रुतबे का वसीला नहीं देंगे। हाँ, ये कहेंगे कि अल्लाह तेरे नबी की बातों पर हम ईमान लाए हैं, तेरे नबी की खबरों की हमने तस्दीक की है और तेरे नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम चल रहे हैं, यानी गोया कि अपना नेक काम बता रहे हैं और फिर अल्लाह से दुआ मांगें, ये जायज़ है। अच्छा, अब उसके बाद अगर कोई आदमी कब्रों के पास जाता है, जो गायब हैं, जो मर चुके हैं, उनसे मदद लेता है, तो ये शिर्क अकबर है, ये बड़ा जुर्म है। अल्लाह को निदा दी जाती है, अल्लाह को पुकारा जाता है। या ऐसे ही कोई कब्र के पास जाए और वहाँ इबादतें करे, वहाँ बैठ के कुरान पढ़े, वहाँ एतकाफ़ करे, वहाँ जाके जो है जानवर ज़बह करे कब्र के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो है नाजायज़ हैं और इन चीज़ों का वसीला लेना ये शिर्क है। अच्छा, आगे अगला जो हमारा वो है दर्स, वह है अलगुलू, गुलू करना। गुलू का माना हम समझते हैं, गुलू यानी किसी को हद से बढ़ा देना, हद से बढ़ाना, हद से तजावुज़ करना। यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। हाँ, यानी ये मुबालगा है शायर का, और छोटा मोटा मुबालगा नहीं है, ये गुलू है। मुबालगा ऐसा है कि दुख में मैं इतना रोया, इतना अश्क बहाया कि ज़मीन तो पानी पानी हो ही गई, पहला आसमान भी भर गया, दूसरा आसमान भी भर गया, तीसरा भी लबालब भर गया, और चौथे आसमान की हालत यह थी कि यहाँ कमर कमर तक अश्क का पानी था। तो ऐसे गुलू, ये गुलू इस्लाम में नहीं जायज़ है, ये मुबालगा इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसको अरबी में कहते हैं गुलू और उर्दू में यह कहा जाता है मुबालगा, मुजावज़तुल हद फिल मदह अविदम, हद पार करना। गुलू का नाम है लगतन हद पार करना, चाहे मदह में चाहे जम में, यानी तारीफ में मुबालगा ये भी गुलू कहलाता है और मजम्मत करने में मुबालगा ये भी गुलू कहलाता है। अब जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ये उलुल अज़्म रसूल हैं, और इनका जो मर्तबा और मकाम है उससे बढ़ा के इनके मानने वालों ने क्या किया, कहा कि ये खुदा हैं, इलाह हैं।
तो ये मदह में गोलू है, मदह में गोलू है। और यहूदियों ने इनके बारे में जम में गुलू किया है, इनका रुतबा गिराने के लिए कहा ये वलदुज़्ज़ना है, नऊज़ुबिल्ला। मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया, कहा जब किसी मर्द ने छुआ नहीं तो फिर वलादत कैसे हुई और हमल कैसे ठहरा। हालांकि अल्लाह तबारक ताला की हिकमत, जिस चीज़ का अल्लाह ताला इतना हकीम है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला चाहे तो बग़ैर बाप के पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो बग़ैर माँ के पैदा कर दे, अल्लाह तबारक ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ने ऐसा पैदा किया भी आदम अलैहिस्सलाम को, ना इनकी माँ और ना इनके बाप, कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने पैदा कर दिया। तो गोया कि अल्लाह ने ऐसे भी पैदा किया है कि माँ और बाप का सहारा नहीं लिया, माँ और बाप का वास्ता और वसीला नहीं लिया, बग़ैर माँ बाप के भी अल्लाह ताला इंसानों को पैदा कर सकता है। और बग़ैर बाप के पैदा किया अल्लाह ताला ने, उसकी क्या मिसाल है हव्वा अलैहिस्सलाम को, इनके वालिद नहीं थे लेकिन अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के, माँ तो थी लेकिन बग़ैर बाप के। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक ताला चाहे तो माँ बाप के ज़रिए पैदा करे, जैसे हमारी पैदाइश होती है, और अगर अल्लाह चाहे तो बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा कर दे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो बग़ैर बाप के भी पैदा कर सकता है, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ तो थी लेकिन इनके बाप नहीं थे, अल्लाह तबारक ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत से। तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की मजम्मत में गुलू किया और उन्हें इस दर्जे तक गिरा दिया, और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदह में गुलू किया और उन्हें उस मकाम तक पहुंचा दिया जो अल्लाह तबारक ताला के लिए ख़ास है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत से लोग गुलू का शिकार हैं। हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा जो कुरान और हदीस में सही दलीलों से साबित है, वो इतना है कि फिर मज़ीद झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बढ़ाने के लिए हमें अपना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे बड़ा मकाम और क्या हो सकता है, रिसालत। रिसालत से बड़ा रुतबा दुनिया में मखलूक के लिए कोई हो ही नहीं सकता है, और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुर रसूल बनाया, आपको सैयद उलद आदम बनाया, यानी वलद आदम का, इंसानों का, बनी नवे इंसान का सरदार बनाया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इस बात का इजहार किया और कहा वला फ़खर, लेकिन घमंड की ये बात नहीं है, ये कोई फ़खर की बात नहीं है कि मैं सैयद उलद आदम हूँ, ये अल्लाह तबारक ताला का करम है। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपको जो रुतबा दिया है, हम उसी दायरे में रहते हैं, हम उससे तजावज़ नहीं करते, हम मबालगा आराई नहीं करते, हम जो है ज़ईफ़ हदीसों या ज़ईफ़ हवालों का सहारा नहीं लेते हैं। हम कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम रुतबा अल्लाह की नज़रों में साबित है, मज़ीद अब उसमें किसी मबालगे और इजाफे की ज़रूरत ही नहीं है। मज़ीद ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के हैं, हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जो गुंबद बना हुआ है उसका साया नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों ने यह भी झूठ बोला कि आपके मकाम का तकादा यह था कि वो हर सुबह शाम जो है ऐसे झुक जाता है। कई लोग वहाँ मस्जिद नबी में, चूँकि वहाँ बाबे बकी पे जहाँ से लोग सलाम करके निकलते थे गुंबद के नीचे ही, वहीं आमतौर से मेरा जो एरिया था उसी पॉइंट पे मैं रहता था, तो वहाँ लोग आते थे, सबसे पहले गुंबद खदरा निहारते और उसके बाद कहते कि मौलाना क्या ये बात सही है कि गुंबद खदरा जो है ऐसे झुक जाता है सुबह शाम में, और कुछ लोग आते गुंबद खदरा के साए में खड़े होके और सवाल करते कि हमने सुना है कि गुंबद खदरा का साया नहीं होता है, हाँ उसी के साए में खड़े हैं। फिर हम उनको बताते कि देखिए आप जहाँ खड़े हैं ये गुंबद खदरा का साया है, हाँ, और लेकिन फिर भी देखिए अकीदत
वहाँ खड़े रहते, देखते, थोड़ी देर चौंकते, उसके बाद कहते कि नहीं मौलाना समझ में नहीं आ रहा है अपने, हाँ वहाँ भी जो है हाँ देख के पूरा हो बहुत सारी चीज़ें दिखती थी। वो तो हम वहाँ सुबह शाम रहते थे, देखते थे, तो बताते भी, फ़ोटो भी खींचते। अपने मुजफ्फर भाई जो है वहाँ जो रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो भी बना के डाला भी था बीच में, हाँ उसको फेसबुक वगैरह पे वो घूम भी रहा था, उसका बाकायदा साया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का साबित करना आपको ये रुतबा बढ़ाना है भी नहीं। हम कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि आप इंसानों की तरह, आप बशर हैं, और हम यही चाहते भी थे। अगर हम किसी मखलूक है फरिश्ते को, किसी नूरी मखलूक को रसूल बनाकर भेज देते, तब तो ये लोग कहते कि इनका हमसे क्या मुवाजना है, हम तो ये अलग मखलूक हैं। अगर कोई फरिश्ता, कोई नूरी मखलूक रात रात भर इबादत करे, हाँ अगर दिन दिन भर रियाजत करे, तो क्या खाकी मखलूक के लिए वो दलील हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो नूर के हैं, उनको अल्लाह ने अलग सलाहियत दी है, और हम खाक के हैं, हम बशर हैं, हमारी सलाहियत अलग है। तो आप हमारे लिए आइडियल तो इसीलिए थे कि आप भी बशर थे हमारी तरह, आपके भी वालिदैन थे, आपको भी इंसानी हवाई जो ज़रूरियात होती थी, आप भी बीमार होते थे, आप भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते थे, आप भी अपनी औलाद और अपने बेटे और अपनी बेटियों के वफात पर आपदीदा हो जाते थे, आप भी रोते थे। इब्राहिम छोटा सा नन्ना सा बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कर जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिराक के गम में रोने लगते हैं। सहाबे किराम कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वफात मैयत पे रो रहे हैं, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वइन्ना अला फिराकिका लमहज़ून, इन्नल अईना लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़न व इन्ना अला फिराकिका लमहज़ूनून या इब्राहिम वला नकूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो मेरी आँख बह रही है और मेरा सीना जो है गम से चूर है, और मैं अपने बेटे की जुदाई पर मगमूम हूँ, लेकिन इस परेशानी की हालत में भी अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालूंगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो कैफियतें तारी होती थी जो एक इंसान पर तारी होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल थे इसीलिए कि आप भी बशर, हम भी बशर हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे उस्वा हैं, हमारे नमूना हैं हर चीज़ में। अब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में देर देर तक इबादत कर सकते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं, पंज वक्ता नमाज़ें पढ़ सकते हैं, और इतनी सारी मशगूलियात के बावजूद भी अल्लाह से रिश्ता जोड़े रख सकते हैं, तो फिर हम भी वो काम कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर कोई नूरी मखलूक ये सब करे तो हमारे लिए आइडियल नहीं थी, और इस बात की सराहत खुद अल्लाह तबारक ताला ने भी कुरान पाक में की है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि गुलू दीन के अंदर जायज़ नहीं है। हद से बढ़ाना, चाहे किसी का रुतबा ऊंचा करने के लिए, चाहे किसी को नीचा करने के लिए, हम जो है गुलू नहीं कर सकते हैं। हुक्म इसका क्या है? अच्छा, चाहे अकीदे में हो, चाहे इबादत में हो गुलू, चाहे दिल में नज़रियात और अकीदे की बात हो, चाहे इबादत और अमल की बात हो, गुलू कहीं जायज़ नहीं है। हुक्म इसका यह है तहरीम, हराम है ये गुलू करना। हकीकत से परे कोई बात कहना ये हराम है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल कुल या अहलल किताबी ला तगलु फी दीनिकुम गैरल हक वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लु मिन क़ब्ल वअज़ल्लु कसीरा वज़ल्लु अन सवाइस सबील। ऐ अहले, आप कह दीजिए अहले किताब से, यानी यहूदियों से और नसरानियों से, कि ला तगलु फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू हरगिज़ हरगिज़ मत करना,
हाँ, हक से तजावुज़ मत करना और उससे इनहराफ ना करना और उस कौम की ख्वाहिश की इत्तबा मत करना जो भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं और सवाए सबील यानी सीधे रास्ते से भटक गए हैं, उनकी पैरवी मत करना। इबन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं यानी अब्दुल्ला इबन अब्बास, समिया उमरा यकूलु अलल मिंबर, मैंने अपने कान से सुना है उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु मिंबर से बोल रहे थे, मिंबर से कह रहे थे। ये कैफियत साहबे कराम क्यों बताते हैं, एक रावी क्यों ये कैफियत बताता है? इसलिए बताता है कि जो बात बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ ख्याल नहीं है बल्कि इतना यकीन है कि वो कैफियत क्या थी वो भी मुझे याद है, किस मौके पर यह बात कही गई है वो भी मुझे याद है। इसीलिए बात कोट कर रहे हैं कि वो मिंबर पे थे और मिंबर पे बोलते हुए मैंने उन्हें सुना। क्या उन्होंने कहा? उमर फारूक रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा कि समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ला तथुरूनी कमा अतरतत नसारा इब्न मरियम, कि मुझे हद से मत बढ़ाना, मेरे बारे में गुलू ना करना वैसे ही जैसे नसरानियों ने ईसा इब्न मरियम के बारे में गुलू किया। फ़इन्नमा अना अब्दुहू फ़कूलू अब्दुल्लाहि व रसूलहू, तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा मुझे अल्लाह का बंदा कहो, अल्लाह का रसूल कहो, मुझे नूर ना कहो, मुझे खुदा ना कहो, मुझे इलाह ना कहो, मुझे आलमुल गैब ना कहो, मुझे अल्लाह तबारक तआला की सिफात से ना मुत्तसिफ करो, बल्कि मैं बंदा हूँ, अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। बस जितना मकाम और जितना रुतबा दिया है अल्लाह ने उससे तजावुज नहीं करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। अजान कब है? 8 तो बंद करें, चलने दें जी, अजान हो रही है, हो जाने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला नुक्ता है अश्शिर्क, तवस्सुल, गुलू और शिर्क। शिर्क लुगवी तारीफ इसकी है खिलाफुल इन्फिराद, यकताई के खिलाफ, एक होने मुनफरिद होने के खिलाफ को शिर्क कहते हैं। व युतलक अला माना नसीबुल हिस्सा, और हिस्से के माने में भी आता है। इसकी दो किस्में हैं, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। अकबर ये है अन यजअला लिल्लाहि निद्दा फी रुबूबियतिही व उलूहियतिही व असमाइही व सिफातिही, कि अल्लाह तबारक तआला को कोई हमसर बताया जाए उसके रुबूबी, उसके रब होने में और उसके इलाह होने में और उसके असमा व सिफात में। तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद असमा व सिफात। अब इन्हीं तीनों चीज़ों में किसी और को हमसर बना दिया जाए, ये कहा जाए कि अल्लाह रब है और
एक वली और एक बुजुर्ग हैं, वो भी रब की तरह हैं, वो भी वही काम करते हैं जो एक रब करता है, तो ये शिर्क अकबर है। कोई कहे कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इबादत का हकदार तो है, लेकिन फलां पीर साहब भी थोड़ा बहुत हक रखते हैं, हाँ उनके हाथों में भी अल्लाह ने ये कमाल दिया है, लिहाजा उनको भी उसी तरह से ताज़ीम और एहतराम दिया जाएगा, तो ये भी शिर्क अकबर है। और अगर अल्लाह के अस्मा और सिफात में कोई शिर्क करता है, अल्लाह के अस्मा यानी अल्लाह तबारक ताला के नाम, अल्लाह के नाम नाम भी हैं और मानी भी वही रखते हैं। अल्लाह के जो अस्मा हैं, हमारा नाम जो है मिसाल के तौर पर सादिक अगर किसी ने रख दिया है तो ज़रूरी नहीं कि वो सच्चा भी हो। किसी का नाम अगर अलीम रख दिया गया है तो ज़रूरी नहीं कि वो जानने वाला ही हो, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का अगर नाम अलीम है, अल्लाह का करीम है, हलीम है, जो भी जितने अस्मा हैं, तो वो माना भी रखते हैं, नाम भी है और मानी भी है। अल्लाह ताला का जो जो नाम है, जितने अस्मा हैं, तो गोया कि वो सिफत भरपूर मौजूद है अल्लाह तबारक ताला के नाम में। यही फ़र्क है अल्लाह के अस्मा और सिफात के अंदर। बहरहाल ये शिर्क जो बड़ा शिर्क है, शिर्क अकबर, जिसे अल्लाह तबारक ताला की रुबूबियत और उसकी उलूहियत और उसके अस्मा और सिफात में अगर किसी और को शामिल किया जाता है किसी भी माने में, तो वो शिर्क अकबर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तजालू फला तजालू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, तुम लोग अल्लाह ताला का हमसर मत बनाओ, हालांकि तुम जानते हो कि कोई अल्लाह का हमसर नहीं हो सकता है, अल्लाह के बराबर कोई हो नहीं सकता है, लिहाजा इस इल्म के बावजूद भी तुम किसी और को मेरे कामों में शामिल मत करो, मेरी इबादत में, मेरी तज़ीम में और मेरी इबादत में किसी को शामिल मत करो। और अल्लाह ने धमकी भी दी, फरमाया इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इथ्मन अज़ीमा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा इस बात को कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, और इसके अलावा जिसे चाहे अल्लाह माफ़ कर दे। अगर कोई आदमी शिर्क करके मर गया, तौबा नहीं किया, तो अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा। गुनाह छोटे मोटे माफ़ हो सकते हैं, लेकिन शिर्क नहीं माफ़ हो सकता है। दुनिया में कोई बादशाह इसे भी दुनिया में बादशाह दुनियावी बादशाह भी नहीं बख्शते हैं इस काम को। अगर कोई रियाया में से कोई गलती कर दे, चोरी चंडाली कर दे, कोई और बड़ा जुर्म कर दे, और जैसे दीगर बहुत सारी जराइम और बुराइयां हैं, अगर वो कर दे तो बादशाह माफ़ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत की है, आपने ये कहा है कि नहीं इस कुर्सी का फला भी हकदार है, इस कुर्सी पे फला को भी बैठना चाहिए, तब इस जुर्म को दुनिया का बादशाह भी नहीं माफ़ करता है। तो अल्लाह तबारक ताला जो कि बादशाहों का बादशाह है, मालिकुल मुल्क है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? तो अल्लाह ताला शिर्क पर मरे हुए आदमी को कभी नहीं माफ़ करेगा। जैसे कुफ्र नहीं माफ़ होता है, वैसे शिर्क की भी बख्शिश नहीं है, इलाया कि किसी ने शिर्क किया हो और फिर उसे एहसास ख़ता हुआ हो और वो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होकर रोया और गिड़गिड़ाया हो, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। लेकिन इसी पर मौत हो गई, शिर्क पर मर गया है, कुफ्र पर मर गया है, तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, आपको भी हमने बता दिया है, आपसे पहले वालों को भी हमने बता दिया था कि अगर शिर्क करोगे तो लयहबतन्ना अमलुक, तुम्हारा सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। खिताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह के रसूल से बेहतर बंदगी और कौन कर सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी इबादत और कौन कर सकता है? लेकिन अल्लाह के रसूल को भी कहा गया, कहा आप तो करेंगे नहीं, लेकिन बफर्दे महाल अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, सारी इबादतें अकारत चली जाएंगी।
तो अगर किसी नबी बल्कि इमामुल अंबिया की नमाज, इमामुल अंबिया की इबादत अगर शिर्क की वजह से रायगा हो जाएगी तो फिर हमारे और आपकी इबादतों का क्या हाल होगा। लिहाजा ये ऐसा ख़तरनाक वायरस है जो सारी इबादतों को भस्म कर देता है। इसे पहचानने की ज़रूरत है, हम इसीलिए इस पर ज़ोर बहुत देते हैं। हमारे उलमा बार बार ताकीद करते हैं, शिर्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बिदात के ख़िलाफ़ बोलते हैं, गरचे लोग ताना देते हैं फिर भी हम समझाते हैं और कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए सबसे अच्छी तरह से इसे हर बंदे को पहचान लेना चाहिए। और गुनाह हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क की कबाहत यह है कि दीगर सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारे आमाल अकारत चले जाएंगे। और ये किसी आलिम की बात नहीं है बल्कि खुद अल्लाह तबारक तआला का अपना कलाम है। अल्लाह ने सूरह ज़ुमर में फरमाया कि लइन अशरकता, बल्कि इससे पहले कहा कि आप पर भी वही की है हमने, आपसे पहले वाले रसूलों को भी वही के जरिए आगाह कर दिया था कि लइन अशरकता, अगर शिर्क करोगे लयहबतन अमल, तो तुम्हारा सारा अमल बर्बाद चला जाएगा, वलतकूनन मिनल खासिरीन, और तुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कफरल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने कुफ्र किया है जिन्होंने ये बात कही है कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम हैं। यानी मसीह इब्ने मरियम की खुदाई का कोई दावा करें, इनमें गुलू करें, इनमें मबालगा करें और अल्लाह के साथ शरीक करें ईसा बिन मरियम को, मसीह अलैहिस्सलाम को, तो ये शिर्क है। वक़ालल मसीह या बनी इसराइल उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, हालांकि मसीह तो ये कहते थे कि ए इसराइल के बेटो, यानी याकूब के बेटो, तुम लोग जो है अल्लाह की इबादत करो, वही मेरा भी रब है, वही तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, और जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देता है। वमावाहु नार, और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो ये सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया में नहीं बल्कि दीगर तमाम अदियान में अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमा दिया शिर्क की कबाहत को, और कहा यह ऐसा गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं होगा और इस पर मरने वाला हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा। फ़मन मात अला शिर्क अकबर फ़हुव मुखल्लदुन फ़ी नारी जहन्नम, जो भी शिर्क अकबर पर मर गया तो वह हमेशा जहन्नम में रहेगा। और शिर्क अकबर में लोग कैसे पड़े हैं, बनू आदम में शिर्क कैसे आया, कहते हैं हुवल गुलू फिस्सालिहीन, नेक लोगों के बारे में गुलू की वजह से, नेक लोगों के बारे में गुलू करने की वजह से शिर्क आया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कहा वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दुम वला सुआउम वला यगूस व यऊक व नसरा, ये वद और सुआ, यगूस और यऊक और नस्र, ये जो पांच माबूदान उनके थे कुरैश के, ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये बुज़ुर्ग लोग थे, ये नेक लोग थे, ये अल्लाह के इबादत गुजार लोग थे। शैतान ने आके ये नहीं कहा इनकी पूजा करो, इनका बुत बना लो और इनकी परस्तिश करो, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, कहा देखो ये बुज़ुर्ग लोग थे, ये नेक लोग थे, लिहाजा इनकी याद के तौर पर इनकी तस्वीर तो बना लो, इनकी मूरत तो तैयार कर लो, ताकि उन पर नज़र पड़े तो तुम्हें इनकी नेकियां याद आ जाएं, तुम भी उन्हीं की तरह अल्लाह ताला से करीब होने की कोशिश करो, बस याद दहानी के तौर पर इतना कर लो। और एक नस्ल ने ये काम कर लिया, फिर जब ये लोग मर गए, ये लोग ख़त्म हो गए, तब दूसरी नस्ल वालों को शैतान ने आके गुमराह किया, कहा देखो ये बना के बेयारो मददगार छोड़े क्यों हो, जिन्होंने बनाया था ये कभी कभी इनकी पूजा भी किया करते थे, इनकी परस्तिश भी किया करते थे, लिहाजा तुम इन्हें पूजा करो। फिर धीरे धीरे शिर्क दाखिल हो गया उम्मत के अंदर और आज जिस हालत में है वो हम सब जानते हैं। तो गोया कि शिर्क का सबब ये है कि अल्लाह के बंदों के साथ, नेक लोगों के
साथ गुलू किया गया, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने गुलू से रोका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की है गुलू करने से और कहा हद से तजावुज़ नहीं करना है, जिसका जो मकाम है उससे देना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। फहादिहि अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौमि नूह, ये नेक लोग थे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, जब मर गए तो इनका सनम बना लिया गया। सनम यानी तस्वीर, उस तरीके से वो एक लफ्ज आप सुनते होंगे वसन, वसन कहते हैं जिसकी कोई सूरत ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं बिरादरान वतन के यहाँ कोई भी पत्थर लाते हैं, किसी दरख्त के बगल में रखते हैं और उस पर कुछ रंग वगैरह डाल देते हैं, तो ये वसन है। लेकिन सनम ये है कि जिसकी नक्काशी की गई हो, जिसकी तस्वीर बनाई गई हो, जैसे कोई है किसी शख्स का चेहरा और हूबहू उसी तरह से बनाया गया हो, तराशा गया हो, काटा गया हो, तो इसे सनम कहते हैं और इसकी जमा है असनाम। और जो बगैर किसी शक्ल के हो, ऐसे ही हो, तो उसे वसन कहते हैं और इसकी जमा है अवसान। तो ये जो है सनम कैसे उन्होंने बनाया, इन्होंने पहले तराशा उनकी सूरतों को और फिर उनका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया और उनका उनके पास जाते थे, उनकी ताजीम करते थे, उनकी नेकियां याद करते थे ताकि इबादत का शौक़ दिलों में जाग जाए। लेकिन यही धीरे धीरे उनकी इबादत का ज़रिया बन गया और लोग उन्हें पूजने और उनकी बंदगी करने लगे। दूसरी किस्म है शिर्क असगर, हर वो चीज़ जो शिर्क अकबर का ज़रिया बन जाए, वो वसीला लिलवुकू और उसमें पढ़ने का सबब बन जाए और जिसे शरीयत के नस में शिर्क असगर कहा गया हो लेकिन वो शिर्क अकबर के हद तक ना पहुंच रहा हो, चाहे कौल में हो चाहे अफ़ाल में हो। और इसका हुक्म यह है कि अल्लाह की मशीयत के ताबे होगा जैसे मुर्तकिबे कबीरा, यानी अगर कोई आदमी शिर्क असगर करके मर गया है तो अल्लाह की मशीयत के ताबे होगा, यानी अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे और अल्लाह चाहे तो उसे जहन्नम में जलाए और उसके बाद जब मर्जी हो तब अल्लाह जहन्नम से निकालेगा। तो मशीयत इलाही के ताबे होना, जैसे गुनाह कबीरा के बारे में, कोई चोर है, कोई चंडाल है, कोई कातिल है, कोई जानी है, तो लेकिन साहिब ईमान है, तो अब इसका क्या हुक्म होगा? ये मर जाएगा तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो अल्लाह फ़ैसला करना चाहे, हम उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नमी है, हाँ ये जो है हमेशा जहन्नम में रहेगा, बल्कि हम कहेंगे अल्लाह की मर्ज़ी के मातहत है, अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ भी कर सकता है और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसे जहन्नम में डाल भी सकता है। तो यही हाल शिर्के असगर का है। शिर्के असगर यानी जो शिर्के अकबर के हद तक ना पहुँचे लेकिन वो उस बड़े जुर्म का ज़रिया बन जाए, उस बड़े जुर्म का सबब बन जाए। हम इसीलिए कहते हैं तस्वीरें जो मूरत बनाई जाती है, कोई कहे हम अपने बाप की तस्वीर खींचेंगे फ़ोटो और उसको उसमें शीशे में लगाएंगे और फिर जो है कहीं नुमाया जगह पर लटकाएंगे, तो ये काम गलत है। गर्चे आप उसके साथ कुछ मत करें, आप कहें ये कहें मैं कोई ताजीम नहीं, कुछ एहतराम नहीं, बस ऐसे ही वालिद थे, मोहब्बत में मैं लगा रहा हूँ, तो इस काम से रोका जाएगा, इसलिए कि हो सकता है बाद में ये बड़े शिर्क का ज़रिया बन जाए। हाँ, तो जितने भी काम हैं जो शिर्क अकबर का ज़रिया बनने वाले हैं उन्हें शिर्क असगर कहा जाता है। जैसे कब्र पे कोई जाता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला की दुहाई देता है, कब्र वाले को नहीं पुकारता है, तो भी अब इसे कहा जाएगा कि ये शिर्क असगर है, क्योंकि ये शिर्क अकबर का ज़रिया भी बन सकता है। शिर्क असगर है अगर अल्लाह को पुकारेगा तब शिर्क असगर है, लेकिन अगर मरने वाले को पुकारता है तब शिर्क अकबर है। लेकिन ये काम कब्रों पे जाके इबादत करना शिर्क असगर इसलिए है क्योंकि ये बड़े शिर्क का ज़रिया भी बन सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क और बिदात और खुराफात से महफूज रखे और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत और बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी।
सहाबे कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा हम दरूद तो जानते हैं, दरूद इब्राहिम यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन सलाम कैसे पेश करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ रहनुमाई की जो दरूद इब्राहिमी है, हाँ इसमें दरूद और सलाम मुकम्मल तौर पर मौजूद है, यही हमारे दरूद और सलाम का ज़रिया होना चाहिए। और जो मुख्तसर दरूद है वो जिसे हम लिखते और पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो थोड़ी तफसील के साथ है वो दरूद इब्राहिमी है। बहुत सारी दरूद मार्केट में है, छपवा के लोग ऐसे बांटे हुए हैं, दरूद तुंजीना, दरूद फलां, दरूद फलां। तो अगर उसके अंदर शिर्क नहीं है, अगर उस दरूद के अंदर गैरुल्लाह की दुहाई नहीं दी गई है, या गैर किसी ऐसे वास्ते और वसीले का सहारा नहीं लिया गया है जो नाजायज़ है, तो वो दरूद भी पढ़ सकते हैं, वो दरूद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा गया है, अल्लाह के अलावा किसी और से वसीला लिया गया है, जैसे पंजतन का वसीला या और किसी का वसीला, तो वो दरूद नाजायज़ है, उसे नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर यह है कि जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिखाया है, उसी का अहतमाम होना चाहिए, उसी को याद रखना चाहिए, उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने भी पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने, और आज तक वही दरूद पढ़ा जाता रहा है। जो आप सिखाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंतहाई जामे और माने होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा जवामियुल कलिम का भी दिया गया था, यानी अल्फाज कम होते थे लेकिन उसमें मानी का समंदर होता था। बातें थोड़ी सी होती थी लेकिन मतलब और माना बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए अल्लाह के रसूल की जो दुआ है, दुआए नबी, जो हदीसों से दुआए मासूर जिसे कहते हैं, उसी दुआ का अहतमाम करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, और जो दरूद और सलाम आपने सिखाया है उसी को पढ़ना चाहिए। अब कैसे पढ़ें? हाँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही हमें सिखाया है, इसलिए हम वैसे ही पढ़ेंगे, उसमें हेरा फेरी नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें हेरा फेरी नहीं करते थे, ये नहीं कहते थे अस्सलामु अलैया, हाँ मेरे ऊपर, अलैया का मतलब मेरे ऊपर है ना, कि लेकिन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके अल्फाज में हेरा फेरी नहीं करते थे, क्योंकि जैसे अल्लाह ने सिखाया है, बताया है, वैसे ही पढ़ेंगे। तो अब अल्लाह के रसूल भी उसमें नहीं तब्दीली करते थे, हम भी उसमें तब्दीली नहीं करेंगे। अलबत्ता अकीदा जो है वो अकीदा दुरुस्त अकीदे के हम पाबंद हैं, वही अकीदा रखेंगे। ये नहीं हम कहेंगे अलैका अय्युहन नबी कहा गया है तो मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ज़िंदा हैं, है ना। अलैका खिताब तो उसी से होता है जो मौजूद हो ना, तो ये दलील नहीं है। अगर हम यहाँ से एक तिनके का सहारा लेंगे तो कुरान और हदीस की बहुत सी बड़ी बड़ी दलीलें झुठलानी पड़ेंगी, नऊज़ु बिल्लाह। लिहाजा हम अकीदा इसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी में यही रखते हैं कि वो मासूर दुआ जैसे सिखाई गई है वैसे हम पढ़ेंगे, उसके अल्फाज को हम बदलेंगे नहीं। जी हाँ देखिए, अब शिर्क से तो यहाँ वाज़ह तौर पर दलील मौजूद है। बिदअत दो तरह की है, एक बिदअत ऐसी है कि लोग जो है, यानी बिदात की कोई तकसीम नहीं, अल्लाह के रसूल साहब ने कुल्लु बिदातिन ज़लाला का हर बिदात गुमराही है, लेकिन एक आदमी जानता है कि ये बिदात है, आलिम है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बिदात पर अमल कर रहा है और बिदात की प्रचार कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुजरिम है और इसके आमाल जो है ज़ाये और बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार देंगे,
हौज़े कौसर से भगा देंगे और कहेंगे, जब उन्हें रोका जाएगा तब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद कहेंगे कि ये तो मेरे उम्मती हैं। तब अल्लाह तबारक ताला कहेगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, कि आपको पता नहीं है कि आपके आने के बाद दुनिया से इन्होंने आपके दीन में कितनी बिदअतें ईजाद की थीं, कितना फुरत बुरत किया था। तो गोया कि वहाँ भी हमारी कोई नेकी काम नहीं आएगी, भगा दिए जाएंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि वो बिदअत में मुब्तला है लेकिन उसे खबर नहीं है, उसे पता नहीं है, वो नहीं जानता है कि ये बिदअत है, तो ऐसा आदमी माजूर है लेकिन इस बात का मुकल्लफ है कि वो दीन को दलीलों के साथ पहचाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्जतों और नुसूस के साथ जाने पहचाने। अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के नबी को पहचानना और दीन को पहचानना, ये बुनियादी ज़रूरत है हमारी, ये बुनियादी तालीम है। इसमें कोताही अगर हुई तो अल्लाह ताला हिसाब लेगा। लेकिन दीगर जो फ़िक़ही तफसीलात हैं, बारीकियां हैं, वो ज़ाहिर है उलमाए कराम ही जानेंगे, हर आदमी उसका मुकल्लफ नहीं है। लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो हर किसी को मालूम होनी चाहिए, बिदात पहचानना चाहिए, बिदात कौन कौन सी चीज़ें हैं इतना तो सबको जानना चाहिए, शिर्क इसे पहचानना है, तौहीद क्या है इसे जानना है, दीन को दलीलों के साथ जानना ज़रूरी है। बंद करें, चलिए।